सलमान खान के फैंस उनकी अगली फिल्म किसी का भाई किसी की जान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार सलमान साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म अंतिम में नजर आए थे, ऐसे में अब वो बैक टू बैक फिल्मों में दिखाई देंगे। बीते दिनों भाईजान ने अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के अनाउंसमेंट करते हुए फिल्म का टीजर जारी किया था। फिल्म से सलमान खान का फर्स्ट लुक देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ऐसे में ऑडियंस इस फिल्म के ट्रेलर का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है। इसी बीच दशहरा के मौके पर सलमान खान ने अपने फैंस को जोरदार सरप्राइज दिया है। दरअसल भाईजान ने किसी का भाई किसी की जान से अपने लुक की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में सलमान हमेशा की तरह धांसू अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, वो था किसी का भाई, ये है किसी की जान। ऐसे में इस फोटो को देखने और कैप्शन को पढ़ने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस फिल्म में सलमान खान का डबल रोल दिखाई देने वाला है। इससे पहले सामने आए लुक में सलमान लंबे बालों के साथ अपने ट्रेडमार्क स्वैग में नजर आए थे, वहीं लेटेस्ट लुक में वो ब्लैक कलर का टक्सीडो पहने क्लीन शेव में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर फैंस को सलमान के ये दोनों लुक काफी पसंद आ रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर अगले महीने रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन यानी 23 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है और इसी दौरान ये ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि ये फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है, जिसका डायरेक्शन फरहाद सामजी ने किया है। फिल्म में सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े और वेंकटेश लीड रोल में नजर आएंगे। किसी का भाई किसी की जान सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही है, जो इसी साल 30 दिसंबर को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट,